हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का राइट इन फॉलोअप इस वीडियो में। और आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी तक उत्तर प्रदेश एनएम या फिर जेएनएम के लिए अप्लाई नहीं किया है। देखिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आपके पास मौका है, आज और कल, ठीक है, 30 और 31, ये जो 2 दिन बचे हैं आप इनके बीच में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे, देन आपको वेट करना होगा 1 साल का। अगले साल जो फॉर्म जारी होंगे तब आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो फटाफट अप्लाई कीजिए, आप इसमें कोई भी देरी ना कीजिए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है अभी ओपन है। हो सकता है बाद में लोड होने के कारण बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए, जिसके कारण ये जो पोर्टल है ओपन ना हो, ठीक है। तो करना क्या होगा, गूगल पर आपको सर्च करना है DGMHUP, इतना सर्च करेंगे देन ये पहला रिजल्ट आपको दिख जाएगा, www.tgmhup.go.in, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे देन आप इस पेज पर आ जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको देखना है सामने NM JNM रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है। इस लिंक पर क्लिक करना है, नहीं क्लिक करेंगे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इंपॉर्टेंट लिंक्स का, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर NM JNM पोर्टल, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे देन आप इस पेज पर आ जाएंगे, एंड यहाँ पर साथियों आपको देखने को मिल जाएगा NM या फिर JNM के लिए कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे मेंशन है विच कोर्स आर यू अप्लाइंग फॉर, मतलब आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अगर आपको JNM के लिए अप्लाई करना है तो JNM को सेलेक्ट करेंगे, NM के लिए तो NM को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो JNM को सेलेक्ट करते हैं, फिर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, देन आप आ जाएंगे इस पेज पर, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कई सारा ऑप्शन, ठीक है। पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई, अगर आपने पहले पढ़ रखी है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं है तो आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन करने का, इस लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद लॉगिन करके फुल डिटेल्स जो फॉर्म है उसको आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है, जो कि आपके 10th और 12th का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उस पर है, वो नाम यहाँ पर पड़ेगा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर ईमेल आईडी वो जो एक्टिव हो, जो आपके पास हो, और मोबाइल नंबर जो है वो भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो SMS है या फिर जो लॉगिन करने का जो प्रोसेस है या फिर जो पासवर्ड है उसको अगर आप बदलना चाहें तो आप मोबाइल नंबर के जरिए बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाए लास्ट डेट दिखा रहा है 31/7/2024, ठीक है। तो 31 जुलाई 2024 ये लास्ट डेट है, इस डेट से पहले ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है, उसके बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे और जो लास्ट डेट है वो नहीं बढ़ेगी। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में सवाल ये भी होगा कि सर क्या डेट बढ़ सकती है, देखिए डेट नहीं बढ़ती है। 2023 की बात करें तो 2023 में भी 1 महीने का टाइम दिया गया था फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद डेट नहीं बढ़ी थी। 31 के बाद जो पोर्टल का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया था, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी और फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो जारी होगी। जिन कैंडिडेट्स का उस लिस्ट में नाम होगा उनको जाना होगा अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर पर, मतलब कि उनको जो ट्रेनिंग कॉलेज मिलेगा या फिर कहें JNM का कॉलेज मिलेगा वहाँ पर जाना होगा और एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और वहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है, और उसके बाद क्लासेज स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आपके पास समय है आज और कल का, आप चाहें तो अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। JNM का फॉर्म लड़कियों और लड़कियाँ दोनों भर सकते हैं, NM का जो फॉर्म है इसको केवल लड़कियाँ यानी कि महिलाएँ भर सकती हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स। तो अगर आपने 10th और 12th साइंस स्ट्रीम में किया है देन आप JNM का फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपने किया है देन आप NM का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप NM पहले से कर चुके हैं, ठीक है, देन आप JNM भी कर सकते हैं और वहाँ पर आपको कुछ जो छूट है वो भी मिल सकती है, मतलब कि कुछ आरक्षण का बेनिफिट भी आपको इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि जो स्टूडेंट्स रह गए हैं उनको पता चले और वे फॉर्म फिल कर लें और ये मौका ना गंवाएं। तो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि JNM में एडमिशन लेना चाहते थे या फिर NM करना चाहते थे, किसी भी रीज़न की वजह से अभी तक फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, तो उन तक ये शेयर कीजिए और एडमिशन के प्रोसेस में आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।